आईपीएल का 20वां मुकाबला दिल्ली और आरसीबी के बीच खेला गया। एक बार फिर दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की यह लगातार 5वीं हार है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में आरसीबी ने दिल्ली को 23 रनों से हराया। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 36 रनों की ज़रूरत थी। आरसीबी की जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने आज अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं आरसीबी के लिए डेब्यू कर रहे 26 साल के वैशाख विजय कुमार ने 3 विकेट झटके। आरसीबी की पारी की शुरुआत विराट कोहली और पॉल डुप्लेसी ने की। 2 ओवरों की समाप्ति में आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था। विराट कोहली 12 और पॉल डुप्लेसी 3 रन बनाकर खेल रहे थे। आरसीबी का पहला झटका डुप्लेसी के रूप में लगा। डुप्लेसी को मिचेल मार्श ने अमन खान के हाथों कैच आउट कराया। डुप्लेसी के पवेलियन लौटने के बाद मैक्सवेल ने पारी को कोहली के साथ आगे बढ़ाया। विराट कोहली ने अपनी 53 गेंदों में पूरी की। यह कोहली की आईपीएल करियर की 47वीं 50 थी। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। कोहली अर्धशतक बनाने के तुरंत बाद पवेलियन लौट गए। कोहली को ललित यादव ने यशदुल के हाथों कैच आउट कराया। कोहली ने अपनी इनिंग में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। आरसीबी का स्कोर 10 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। मिचेल मार्श ने महिपाल रोड को विकेट के पीछे आउट कराकर एक और को झटका अक्षर दिया। पटेल ने आउट किया। ब्रॉड वहीं ने दो मैक्सवेल छक्के लगाते चौबीस हुए 26 रन बनाए। और कार्तिक 12वें ओवर जीरो को के कुलदीप यादव बाद ने चौथा आरसीबी का किया। स्कोर 3 विकेट के आरसीबी नुकसान का पर एक स्कोर सौ 14.2 ओवर एक के सौ बाद उन्नीस छः रन विकेट था। पर 132 ग्लेन रन मैक्सवेल था। 17 और 18वें ओवर अर्शद में पटेल आरसीबी का 2 रन स्कोर छः बनाकर विकेट खेल पर रहे एक थे। सौ उनसठ आरसीबी की रन हालत था। अनिल बदतर हो रावत रही थी। 11 और पहले शहबाज अहमद अर्शद 12 रन और बनाकर फिर खेल रहे मैक्सवेल हैं। ने दिनेश कार्तिक का विकेट लिया। आरसीबी ने छः अर्शद पटेल विकेट छह पर एक रन सौ और चौहत्तर रन अर्शद बनाए। पटेल आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 50 रन कुलदीप की यादव पारी और मिचेल खेली। मार्श ने वहीं दो दो विकेट मैक्सवेल ने लिए। 24 रन और आरसीबी कप्तान पॉल ने दिल्ली डुप्लेसी ने कैपिटल्स 22 रनों को की पारी जीत के लिए एक खेली। सौ 75 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली की पारी की शुरुआत पृथ्वी शॉ और वार्नर ने की। दिल्ली को पहला झटका पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। पृथ्वी शॉ को अनुज रावत ने रन आउट किया। शाह अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 1 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट पर 1 रन था। डेविड वार्नर 1 और मिचेल मार्श 0 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर यशदुल 1 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर LBW आउट हो गए। पहले मिचेल मार्श को वेन पन्नेल ने विराट कोहली के हाथों कैच कराया। दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट गिर चुके थे। 5.4 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 30 रन था। ठीक उसी के बाद दिल्ली को चौथा झटका लगा। कप्तान डेविड वार्नर पवेलियन लौट गए। वार्नर को वैशाख विजय कुमार ने कोहली के हाथों कैच आउट कराया। 9 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 5 विकेट पर 53 रन था। अक्षर पटेल 0 और मनीष पांडे 28 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली को जीत के लिए 122 रनों की ज़रूरत थी। मनीष पांडे ने अपनी 50 पूरी कर ली। पांडे 37 गेंदों में 50 पूरी की, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। 14वें ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट पर 98 रन था। मनीष पांडे 50 और अमन हकीम 1 रन बनाकर खेल रहे थे। मनीष पांडे का विकेट हसनगढ़ ने लिया। दिल्ली का स्कोर 14 ओवर के बाद 7 विकेट पर 98 रन था। डेब्यू मैच खेल रहे वैशाख विजय कुमार ने ललित यादव को आउट करा दिया। ललित यादव से 4 रन बना सके। आखिरी ओवरों में दिल्ली को जीत के